ये तो ऐसे देश की कल्पना शहीद भगत सिंह ने तो कभी नहीं की होगी। जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी वो ऐसा देश तो नहीं चाहते थे जिसमें बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो क्या आप अपने देशवासियों को इतना नीचे गिर जाओगे कि उनको सोने के लिए बिस्तर तक भी नहीं देने दो? तो कोई बम थोड़ी लेके आ रहे थे, क्या लेके आते रहे? इस बात से देश के लोगों को हौसला मिलेगा अगर हम इसको जीते हैं। इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना बड़ा गुंडा है। तो इंसाफ तो लेके रहेंगे लोग, जब खड़े हो जाते हैं तो कोई अंग्रेज नहीं यहाँ रुक पाए, तो ये कैसे रुक पाएंगे? जानवरों की तरह लोग रह रहे हैं, घर नहीं है किसी पार्क से, कोई खाने को पूरा नहीं है, तो आप विश्व गुरु कैसे बन सकते? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय जंतर मंतर पे बहुत ही खास शख्सियत इसमें मेरे साथ मौजूद है। आप हैं भगत सिंह की बहन की बेटी और इस समय पहलवानों के समर्थन में आई हैं। वो क्या कहेंगी मैम, जो बीते दिनों से जो पूरी घटना चल रही है देश में बच्चों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नमस्कार, मेरा नाम गुरजीत कौर है, मैं शहीद भगत सिंह की छोटी बहन बीबी प्रकाश कौर की बेटी हूँ। ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये हम सभी लोगों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं प्रोग्राम तो बना रही थी इस आंदोलन में आने का, लेकिन उस रात जब ये पुलिस से टक्कर हुई तो मैंने एकदम रात को ही प्रोग्राम बना लिया। हम रात रात चल के होशियारपुर, पंजाब में से होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि जिस देश को आज़ाद करवाने के लिए, जिस देश को सभी को बराबरी का हक दे, जाने कुर्बान की, अपनी जवानियाँ कुर्बान की, उस देश की ये हालत है कि यहाँ की बेटियों की इज्जत खतरे में है। जो ये जो सिस्टम बनाया था, जो पार्लियामेंट बनाई थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि आज़ादी आई है, इस पार्लियामेंट में अच्छे लोग जाएंगे, सभी लोगों का भला, लेकिन इसमें गुंडागर्दी हो शुरू हो गई है। जो जितने जितना बाहुबली है वो उसके जोर पर पार्लियामेंट में आ जाता है और अपने मन मर्जी करता है। लेकिन मैं इन बच्चियों को बहुत शाबाशी देती हूँ, बड़ा जिगरा चाहिए इस चीज़ को आगे ले आने के लिए, सबको बताने के लिए। और मैं सारे देशवासियों से अपील करूँगी, आपकी जो घटना हुई उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो बहुत बहुत गलत थी, वो तो बिल्कुल नाजायज है ना, जो बच्चे कर रहे हैं, आप धरना दे रहे हैं, उनको रात को सोने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो क्या आप अपने देशवासियों को इतना नीचे गिर जाओगे कि उनको सोने के लिए बिस्तर तक भी नहीं देने दो? तो कोई बम थोड़ी लेके आ रहे थे, क्या लेके आते रहे? तो उसके लिए बहुत लोगों ने समर्थन दिया उनको, तो उस बात का असर भी हुआ है। पुलिस ने बिल्कुल छोड़ दिया है, अब उसमें दखल नहीं दे रही। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, ये बात से, इस बात से देश के लोगों को हौसला मिलेगा अगर हम इसको जीते हैं। अगर शहीद आजम भगत सिंह इस समय होते तो क्या सोचते, क्या हालात होते? जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी वो ऐसा देश तो नहीं चाहते थे जिसमें बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो कोई मंत्री का बेटा गाड़ी लेकर लोगों पर चढ़ा देता है और उसको कोई सजा नहीं, मंत्री है, उसको बेल मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है। तो ऐसे देश की कल्पना शहीद भगत सिंह ने तो कभी नहीं की होगी। तो वो तो चाहते थे कि यहाँ का जो गरीब है वो बराबर आए और सबकी सबका रहन सहन एक बराबर हो, अच्छी ज़िंदगी जिए, खुशी से जिए। उनका तो बहुत बड़ा विज़न था, वो तो कहते सारी दुनिया के लोग खुशी से अपनी एक ज़िंदगी मिलती है उसको कर जाए। लेकिन ये ऐसे भारत की कल्पना कभी नहीं की थी। अब आप देख रहे हो कि अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा है, कोई गरीब की सुन नहीं रहा है। तो वो कह गए थे कि इसके बाद भी एक क्रांति होगी, जब ऐसे हालात होते हैं तो क्रांति होती है, लोग उठते हैं, उस बेइंसाफी के मुकाबले खड़े होते हैं। तो जीत तो लोगों की, जिन बच्चों ने इस देश का सर ऊंचा किया उनका आप सिर नीचा कर रहे हो, इतना नीचा कर रहे हो कि उनको बिस्तर तक देने को तैयार नहीं हो।
तो ऐसे देश की कल्पना शहीद भगत सिंह क्या, जिन्होंने भी शहीदियाँ दी हैं इस देश के लिए, जाने दिए, उन्होंने ऐसे लोगों के लिए तो नहीं दी थी कि तो आप जो मर्जी करो, ये तो गरीब हो जाए, उनको किसी की कोई सुने नहीं। उनके पास पावर है तो पावर का किसने दी है, पावर लोगों ने दी है। अगर आज वो पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं तो निश्चित है कि जनता खड़ी होगी और उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सरकार को देखकर क्या लगता है? वर्तमान सरकार की बात करें, जो प्रधानमंत्री जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को सुनकर शर्म आती है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जब मोदी जी ये बोले कि सोनिया कांग्रेस की विधवा है, जब मोदी जी ये बोले कि ओए दीदी कौन सी भाषा है, ये तो लोफर लोगों की भाषा है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमें तो दूसरे देशों में शर्म आती है जाके कैसे बोलते हैं। तो जो वर्तमान सरकार है ना, ऐसे ही ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना बड़ा गुंडा है, उसको जोर से अपने आ जाए। वो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, सबसे बड़ी ज़रूरत है, लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी वोट की कीमत क्या है। गलती हमने की है, उन लोगों को आगे लेके आए हैं, लेकिन उसमें ये भी है कि उनकी गुंडागर्दी है, डर है, लेकिन इससे निकलना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं तब अपना हक ले सकते, तो इंसाफ तो लेके रहेंगे। लोग जब खड़े हो जाते हैं तो कोई अंग्रेज नहीं यहाँ रुक पाए, तो ये कैसे रुक पाएंगे। लगातार जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये दावे किए जाते हैं, प्रधानमंत्री ने पूरे देश पूरे विश्व में नाम किया है, कौन सा नाम किया है सर? इकोनॉमिकली भारत नीचे जा रहा है, धर्म के मामले में सारे देशों में बदनामी हो रही है, तो मेरी समझ से तो बाहर है। कौन सी, अगर मोदी जी खुद को कह रहे हैं विश्व गुरु बना देंगे, तो ऐसे तो विश्व गुरु नहीं बनता। एजुकेशन का बुरा हाल है, हेल्थ का बुरा हाल है, तो लोगों को काम नहीं मिल रहा, गरीबी बढ़ रही है, तो सारी जितनी जायदाद देश की है वो बिक रही है, तो कौन सा नाम बड़ा हो रहा है? नाम तो बड़ा तब होता है जब सभी लोगों का जीवन स्तर बढ़िया होता है। लोगों तो आप देखते हैं कि इंडिया के बाद में जो इंडिपेंडेंस जिन देशों को मिली है, वो आज हमारे से कहाँ कहेंगे आगे, तो हमने कौन सा तीर मार लिया, हमारे से नीचे ही जा रहा है ग्राफ। जो गरीब परसेंटेज बढ़ रही है, लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है, जानवरों की तरह लोग रह रहे हैं, घर नहीं है किसी पार्क से, कोई खाने को पूरा नहीं है, तो आप विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? लेकिन हिंदू राष्ट्र की तो बात चल रही है देश में, कैसे लेते हैं आप? कभी हिंदू राष्ट्र बने, भगत सिंह ने कभी धर्म की बात नहीं की। भगत सिंह ने देखो, भगत सिंह की फैमिली थी सिख फैमिली थी, उनके दादाजी ने आर्य समाजी हुए, हिंदू धर्म आया, उन्होंने शहीद भगत सिंह ने सभी हिंदू धर्म के सभी लिटरेचर पढ़ा, जो गीता में, तो उनके फादर गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते थे और वो भगत सिंह ने पढ़ा, और उनके जो चाची जी थे हरनाम कौर सरदार अजीत सिंह, जो जिला वतन हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन चलाया था, जहाँ पर बड़ी मूवमेंट चलाई थी, उनकी वाइफ मुस्लिम थी, वो अनाथ थी, किसी हिंदू ने उनको पाला था, तो वो उनसे उन्होंने शादी की, तो ये तो सभी धर्मों का सम्मेल था। कभी वैसे भगत सिंह ने धर्म को कभी मानता नहीं, धर्म है अपनी पर्सनल चीज हो सकती है, लेकिन धर्म वो है एक चीज तक, सच बोलो, किसी का बुरा नहीं कर। आज जो देश में हर तरीके से धर्म के चश्मे से हर चीज को देखा जा रहा है, ये पॉलिटिशियन बढ़ा रहे हैं। कभी कोई हिंदू किसी का कत्ल नहीं कर सकता, कोई हिंदू किसी के घर जाके उसके बर्तन नहीं देख सकता कि इसने क्या बनाया है, कोई हिंदू, सब नॉर्मल रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना। कुछ लोगों को जो पॉलिटिशियन बड़ा ऐसा गुंडागर्दी के लिए तैयार कर देते हैं, उनकी भी लाइफ खराब कर देते हैं, वो भी बच्चे हैं किसी के, उनके पेरेंट्स ऐसा तो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कातिल बने या उसके बदले, लेकिन कुछ देर के लिए उनके ख्याल को ऐसे बना देते हैं कि वो उनकी भी सारी लाइफ खत्म, और जिनको
कत्ल किया जाए, जिनको मारा उनकी भी लाइफ कत्ल, ये सब पॉलिटिक्स है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम खत्म मार, देश के लिए उन्होंने अपने अपने प्राण निछावर कर दिए, और वो भी बहुत कम एज में, भगत सिंह जी ने। लेकिन आज भी उनको देश भारत रत्न नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसके? आप अगर हिस्ट्री जानते हो आज़ादी के लिए, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने पावर दी थी जाते वक्त इंडिपेंडेंस, जो उनके पिट्ठू थे, जो उनके 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 साथ चलने वाले थे। हाँ, तो जो असल में आज़ादी अंग्रेज़ों का रंग बदल हुआ, कुर्सी है गोरे से काले हो गए, लेकिन वही चीज़ चलती रही। तो उससे आज़ादी नहीं आई है। आज़ादी तो आज़ादी के लिए तो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं सभी, तमाम देशवासियों। यही कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी ज़रूरत है शिक्षा। आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि उनको समझ आ जाए कि दूसरा हमारे से क्या करवा रहा है। किसी की बातों में नहीं आओ, कोई धर्म, सभी हम भाई बहन हैं, सभी का एक खून है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी। अपने मन की शांति के लिए घर में बैठ कर किसी भी धर्म को मानो, लेकिन बाहर जो भी बंदा आपको दिखता है वो आदमी है, वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। आप सभी से प्यार से रहो, किसी पॉलिटिशियन की बातों में नहीं आओ, नहीं तो इस देश का कुछ बनने वाला नहीं। बहुत इसको बचाने की ज़रूरत है।